सो हेलो गाइस, मानु बिजन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के V5 यस डिवाइस के अंदर आप स्मार्ट गोल्ड सेटिंग का कैसे यूज कर सकते हो। यू नो स्मार्ट गोल्ड सेटिंग एक स्मार्ट ऑप्शन है जिसका आप यूज करके कॉल मैसेज वगैरह की इंटरफेस वगैरह को देख सकते हो, मैनेज आउट इवन गाइस कर सकते हो। तो चलो हम दिखाते हैं कैसे आपको स्मार्ट गोल्ड सेटिंग का यूज करना है। गाइस इसे करने के लिए आपको सेटिंग्स को ओपन कर लेना, और जो मेरा फोन है व्यू का V11 है, आपको सेटिंग्स जो है डिफरेंट देखने को मिल रही है, लेकिन आपको बताऊंगा कौन सा सेटिंग्स आपको यूज करना है। नीचे आना स्क्रॉल डाउन करके, और यहां पर आने के बाद जहां पर आपको रैम स्टोरेज बैटरीज वगैरह का ऑप्शन दिख रहा है हमारे डिवाइस में, यहां पर ही आपको जस्ट मिल जाएगा स्मार्ट मोशन का ऑप्शन। मैं दिखाता हूं कौन सा स्मार्ट मोशन है। यहां पर हमारे डिवाइस के अंदर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर स्मार्ट मोशन यहां पर है, और आपको शॉर्टकट के अंदर ही मिल जाएगा, जस्ट स्मार्ट मोटर को प्रेस करना है। जैसे आप स्मार्ट मोशन पर क्लिक करते हैं, हमारे पास फोर्थ नंबर का ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट कॉलिंग, लेकिन आपको जो ऑप्शन शो होगा वो स्मार्ट कॉल होगा। स्मार्ट कॉलिंग स्मार्ट कॉल दोनों सेम ऑप्शन है, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जस्ट आप इसको ओपन कर लेना। जस्ट हमने ओपन करा गाइस, यहां पर स्मार्ट कॉल है, हालांकि हमने अभी इसको डिसेबल कर दिया है आपको बताने के लिए, ताकि मैं इसको ऑन करके आपको बता पाऊं कि इसका एक्चुअल यूज क्या होता है। तो यहां पर स्मार्ट कॉल है, इसमें हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट वाले पे, और इसमें एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम रीड करेंगे इसको टेक्स्ट को, और हम बताएंगे एक्चुअल हम स्मार्ट कॉल का क्यों यूज करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कॉन्टैक्ट डिटेल, मैसेज थ्रेड और कॉल डिटेल इंटरफेस जैसी चीजें इसके साथ होंगी, तो आगे हम बताएंगे क्या होंगी। फिलहाल हम इसको ओके करेंगे देन ऑन कर लेंगे। अब गाइस हमारे पास नीचे एक ऑप्शन और ऑन हो चुका है डिफॉल्ट कॉलिंग कार्ड का, तो आपको सेट आउट करना है डिफॉल्ट जो भी आपका सिम कार्ड है कि आपको एक नंबर पे इसको स्मार्ट कॉल के ऑप्शन ऑन चाहिए या टू नंबर्स पे, आपको जस्ट उसको क्लिक करना है, इसके बाद छोड़ देना है, ये चीजें अप्लाई हो जाएगी। अब मेन इंपॉर्टेंट बात होती है स्मार्ट कॉल के फीचर्स की, तो यहां पर स्मार्ट कॉल फीचर्स का इनेबल करते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन जो हमारा है स्मार्ट आंसर, ये जो ऑप्शन है इसको हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पर इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, पिक अप द फोन एंड होल्ड इट क्लोज टू योर ईयर टू आंसर एन इनकमिंग कॉल्स। जो भी आपकी कॉल्स आ रही है इनकमिंग कॉल्स, अगर आप उसको आंसर मोड में डालना चाहते हो तो आप इस डेमो को फॉलो करो, जस्ट अपने ईयर के पास ले जाओ, अपने फोन को ऑटोमेटिक रिसीव्ड हो जाएगा, दैट मीन्स आपको उठाने की जरूरत नहीं, उठ जाएगा ऑटोमेटिक। इसको हम ओके करेंगे, ऑप्शन काफी अच्छा है इसलिए हम इसको जस्ट ऑन पे क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन को हम ऑन कर लेंगे। तो हमने ऑन कर दिया। नीचे में मिलता है स्मार्ट स्विच का ऑप्शन, ये भी ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम ये आपको बताएंगे कैसे ऑन करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम गाइस इसको भी रीड करेंगे। देख सकते हो पुट द फोन क्लोज टू योर ईयर टू स्विच टू स्पीकर मोड व्हेन इन हैंड फ्री मोड। जब आप हैंड फ्री मोड में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो अगर आपको स्पीकर मोड में डालना है तो जस्ट आपको डेमो करना है स्मार्ट आंसर वाले जैसे डेमो की तरह, जिस तरह से आप देख रहे हो आप बात करते रहिए हैंड फ्री में, जैसे आप ईयर के पास ले जाएंगे आपका जो हैंड फ्री सेट मोड है वो जो है स्पीकर मोड में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गाइज, ओके करके इसको जस्ट ऑन कर लेना। अब अप्लाइड हो चुकी है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन है स्मार्ट म्यूट, तो इसको हम क्लिक करेंगे म्यूट वाले पे, कवर द स्क्रीन टू म्यूट द फोन व्हाइल इट इज रिंगिंग। जब आपका फोन रिंग कर रहा हो, अगर आपको म्यूट करना है, उसकी रिंग को नहीं सुनना है, तो अपने फोन को इस तरह से कवर करना है, देख सकते हो कवर कर लेंगे, या फिर आप अपने फोन को उल्टा भी रख सकते हो, सिर्फ आपकी डिस्प्ले कवर होनी चाहिए, आपका फोन जो है ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगा। इसको हम ऑन करेंगे, जस्ट ओके पे क्लिक कर देंगे। अब गाइस नीचे में मिलता है वेव टू हैंड फ्री, ये ऑप्शन उतना खास नहीं है, अगर आप चाहें तो फिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो हम बताते हैं कैसे आप इसका एक्चुअल यूज करेंगे, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और गाइस यहां से व्हेन देयर इज एन इनकमिंग कॉल यू कैन आंसर द कॉल हैंड फ्री बाय वेविंग योर प्लेम अक्रॉस द टॉप ऑफ द फोन 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के आसपास, अगर आप इसे वेव करते हो फोन के ऊपर तो आपका जो फोन है वो हैंड फ्री हो जाएगा। लेकिन गाइस जब तक आप फोन को नीचे रख के वेव करेंगे तब तक आप ऑप्शन से ही हैंड फ्री कर सकते हैं अपने फोन को, तो उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं ऑप्शन, फिर भी अगर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट हमने स्मार्ट कॉल की रिकॉर्डिंग सारी चीजें आपको बता दी है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से। फिर भी कोई कंफ्यूजिंग इसके रिकॉर्डिंग हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं गाइज, इवन आपको इंस्टाग्राम का हैंडल भी नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां भी अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हो। सो बस गाइज ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं गाइस फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।